राजौरी एनकाउंटर में दो सैन्य अधिकारी और दो जवान शहीद, मुठभेड़ अभी भी जारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज हॉकर्स। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बुधवार को आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के दो अफसर और दो जवान शहीद हो गए। जान गंवाने वालों में कैप्टन मेजर हवलदार शामिल है। सूत्रों के मुताबिक इसी तलाशी अभियान के दौरान बुधवार को सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की मुठभेड़ हुई थी। जानकारी के मुताबिक जंगल में छिपे आतंकियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। आपको बता दें, इससे पहले 17 नवंबर को जम्मू कश्मीर के कुलगांव जिले में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें लश्करे तैयबा के 5 आतंकी मारे गए थे। कुलगांव पुलिस ने इसकी जानकारी देते हुए कहा था कि हमने सेना के साथ मिलकर अभियान चलाया था। वहीं 19 नवंबर को कालाकोट इलाके के गुलाबगढ़ जंगल में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद से इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। आज हुई मुठभेड़ में आतंकी भी घायल हुए हैं, जिसके बाद उन्हें घेर लिया गया और अब एनकाउंटर जारी है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बुधवार को सुरक्षा बलों ने लश्करे तैयबा के दो आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से 2 पिस्तौल, 4 मैगजीन, 2 फिलर मैगजीन और 8 ग्रेनेड बरामद किए गए थे। पुलिस ने बताया कि इन दोनों आतंकियों को 21 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। वहीं इस बात की जानकारी J&K पुलिस की तरफ से बुधवार को दी गई थी।